दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस साल का T20 वर्ल्ड कप जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में खेले गए मुकाबले में जहां भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, वहीं भारतीय टीम के खिलाड़ी ऐसा करने में बुरी तरह से नाकाम रहे और इस मुकाबले में एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मुकाबले के दौरान भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज KL राहुल के साथ एक ऐसी बेईमानी हुई जिसे देखकर पूरे भारत देश में काफी ज्यादा हल्ला हो गया। यहां तक कि प्रीति जिंटा भी भड़कती हुई नजर आई और उन्होंने ऐसा बयान दे डाला जिसको सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं प्रीति जिंटा के उस बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि KL राहुल और विराट कोहली में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ ICC T20 विश्व कप में पाकिस्तान को आखिरकार पहली जीत मिल ही गई। टीम इंडिया के लिए इस महामुकाबले में टॉस हारने के बाद रोहित शर्मा और KL राहुल की जोड़ी ओपनिंग करने उतरी। शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा को पहले ओवर में ही आउट कर दिया। एक गेंद खेलकर वो बिना रन बनाए LBW होकर वापस लौटे। इसके बाद अपने अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर शाहीन ने KL राहुल को 3 रन पर क्लीन बोल्ड करके भारत को उन्होंने दूसरा झटका दे दिया और इसी के साथ भारतीय टीम के विकेटों का सिलसिला चलता रहा। लेकिन टीम के कप्तान विराट कोहली ने एक छोर से लगातार शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और वो इस मुकाबले में 49 गेंदों पर 57 रन की पारी खेलने में कामयाब रहे। वहीं उनका साथ दिया ऋषभ पंत, जिन्होंने इस मुकाबले में 30 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली और अंत में निचले क्रम में बल्लेबाजों ने संघर्ष किया लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, 151 तक स्कोर को ले जा पाए। दोस्तों, 152 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने भारत के खिलाफ जबरदस्त शुरुआत की और बिना विकेट खोए ही सलामी बल्लेबाजों ने 100 रन से ज्यादा की साझेदारी कर ली थी और बिना विकेट गवाए ही सलामी बल्लेबाज कप्तान बाबर आजम और रिजवान ने ताबड़तोड़ पारी खेली और पहले फील्डिंग में दमखम दिखाया और फिर बल्लेबाजी में जलवा बिखेरा। भारत के गेंदबाज पूरी तरह से फ्लॉप होते हुए नजर आए। टीम इंडिया का एक भी गेंदबाज सफल नहीं रहा। मिस्ट्री स्पिनर का जलवा भी दुबई की पिच पर पूरी तरह से फीका नजर आया। हैरानी की बात तो यह हुई कि भारत के एक भी गेंदबाज को एक भी सफलता हासिल नहीं हुई। बाबर ने 68 रन बनाए 52 गेंदों पर जबकि मोहम्मद रिजवान ने ताबड़तोड़ 79 रन बनाए 55 गेंदों पर और नाबाद पारी खेली और पाकिस्तान को 10 विकेट से शानदार जीत दिलाई। दोस्तों, आपको बता दें कि इस हार के बाद IPL फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा काफी ज्यादा निराश नजर आई। आपको बता दें कि उन्होंने इस हार के बाद भावुक होते हुए अपने बयान में कहा कि उनका दिल काफी ज्यादा दुखी है भारतीय टीम की इस शर्मनाक हार को देखकर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि भारतीय टीम इस साल पाकिस्तान की टीम को एक शर्मनाक हार देने में कामयाब रह सकेगी, लेकिन ऐसा करने में भारतीय टीम पूरी तरीके से असफल रही, बल्कि पाकिस्तान की टीम ने हमें इस मुकाबले में एक शर्मनाक हार का स्वाद चखा दिया। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी और बेईमानी की गई है जिसकी वजह से हमारी टीम को इस मुकाबले में इतनी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। ये बेईमानी हुई KL राहुल के साथ, क्योंकि जिस गेंद पर वो आउट हुए थे वो साफ तौर पर नजर आ रही थी कि वो नो बॉल है, लेकिन फिर भी एम्पायर के द्वारा इस नो बॉल को नजरअंदाज कर दिया गया जिसकी वजह से भारतीय टीम को इसका हर जाना एक शर्मनाक हार के तौर पर भुगतना पड़ा। और ये बीमारी KL राहुल और भारतीय टीम के साथ ना हुई होती तो इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत 100% पक्की थी। लेकिन दोस्तों, प्रीति जिंटा के इस बयान को सुनकर आप सभी को क्या लगता है कि क्या इस मुकाबले में KL राहुल के साथ बीमारी हुई है या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।